आयतन बढ़े, छोटा आयतन में। इससे पहले वाला हो गया तुम्हारा? यस सर। इसमें 600 × 400 × 1 अभी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएंगे। जय श्री राम। फिर उनका क्यों दुखी रखना है? 1 0 से 1 0 काटेंगे, इससे काटेंगे 30 से 1 0 और निपटा सकते हैं। आज से काटेंगे 50 50 50 25 25। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। उधर ज्यादा किस ब्रांच में पढ़ती थी? यहीं पढ़ती थी। तुम जानते हो? डीलू तो जानता है। अच्छा, डीलू कौन सी बात चलता रहा? कब पढ़ती थी तुम? 19 में। और 19 का एग्जाम हुआ था तब जो है एडमिशन लिया था, अगस्त के अराउंड। अच्छा, फिर हाँ एग्जाम हुआ था। कलर का एग्जाम 19 और 20 सितंबर 2019 को हुआ था। उससे 2-4 दिन पहले इसने एडमिशन लिया था। फिर उसके बाद ये पढ़ती रही। मार्च में लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में ये पढ़ती रही कुछ दिनों तक। जो यूट्यूब पर क्लास गई थी, यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने जो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट वगैरह किए थे। फिर ऐप आया था, ऐप के ऊपर पढ़ाई आई थी, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो ये उसमें पढ़ती रही। इसका ध्यान कमेंट और नेगेटिव बातों में नहीं था। तो इसका हरियाणा पुलिस का जो पेपर हुआ उसमें सिलेक्शन हुआ। दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें सिलेक्शन हुआ। हरियाणा पुलिस का जो एसआई का एग्ज़ाम था उसमें भी हुआ था। और जो दिल्ली पुलिस का एसआई का एग्ज़ाम था उसमें भी हुआ था। लेकिन एक देखा हरियाणा पुलिस में 1 से 180 रैंक वाले जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको गुरुग्राम में ज्वाइनिंग दी गई है। तो गुरुग्राम में इसका नंबर आया है 43rd रैंक। अच्छा, जो पहले रिजल्ट आया था उसमें 16वां रैंक आया था। ये रिजल्ट रिवाइज करके थोड़ा सा पीछे कर दिया, 41 हो गया। लेकिन उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे तुम्हारा पहले 16 में आ गया, 41 में आ गया, 50 में आ गया, उसमें क्या फर्क पड़ता है? पर जो मोस्ट इंटेलिजेंट 180 लोगों की टुकड़ी है उसमें जो है दो चार दिन पहले भी एक आया था मेरे ख्याल से, उसका भी वही पर नंबर था। और कई लोगों ने मुझे बताया जिनका उसमें नंबर आया है जो ऊपर के 180 है। कौन से गाँव में रहती हो? प्याऊ मनियारी में रहती। जब हम छोटे थे तब हम प्याऊ मनियारी से बस पकड़ते थे मामा के मालदाने के बहुत बार। उसके बाद तो फ्लाईओवर बन गया प्याऊ मनियारी वाला, वो कटी खत्म कर दिया और रोड ही खत्म कर दिया था। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बीच में ये नरेला में पढ़ती रही इस ड्यूरेशन में, क्योंकि 2 साल भर तो पुलिस में केस में ही निकल गए। लेकिन जो लोग जो है जैसे सही पढ़ाई कर रखी है, 2 दिन आगे पीछे मामला हो सकता है, ज्वाइनिंग में कहाँ दिक्कत है। तो ज्वाइनिंग फाइनली हो ही गई। और अंत भला सो भला, क्या नहीं? Yes, sir. Very good.
जो बच्चा ऐसे पढ़ता जाएगा ना कंटिन्यूस, पेपर में 2 नंबर से रह गया, 1 से रह गया, 3 से रह गया, तो ये नौकरी लगने की स्टेज होती है। बहुत सारे लोग ऐसे ही मामलों के ऊपर वहीं पर बोला हमारे बस की नहीं है, हर बार 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया और गड़बड़। हर बार हर पेपर में तुम लोगों को ये पता चलना चाहिए नॉलेज की कमी है या स्पीड की कमी है या एक्यूरेसी की कमी है। इस तरीके से पढ़ते जाना है, पढ़ते जाओ, किसी की तरह उतर नाम है। वेरी गुड, रसगुल्ला खिलाओ, रसगुल्ला भी बिल्कुल ताजा लाई। आपको भी खिला दो, आओ इधर, आओ आओ, अरे आओ, आ जाओ। अब मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, आप भी खाओ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे अरे शर्माओ मत, सॉरी नौकरी ला गई है, राजी होने की बात किया था, खेलो, खाओ, बहुत ब्लेस, आ जाओ, हाथ में ले लो, बहुत बढ़िया। दो बातें बोलो कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तो तुम लोग आ गए इसी में तो हमने मिठाई खाई है, ठीक। संदीप तू कहाँ गया? पचली लगा के दी थी ने। चलो बहुत बढ़िया, दो बातें बोलो कि इनको। अच्छा मैम वाले कमरे में ऊपर जो काफी देर बोल के आई है यूट्यूब पर या फेसबुक पर मिलेगा वही तुम सुन लेना। और ऐसा इसने कहा, मैंने थोड़ी कहा, मैं तो कह रहा हूँ चलो तुम उसी पर सुन लेना वो। अच्छा चलो दो बातें बोलो, ज्यादा मत बोलो, एक ही बात बता दे। और इस परफेक्शन की रखा सकते हैं हमें क्या पढ़ना क्या।
दो बात में तो बातें तो बहुत सारी है, उनमें से भी मैं जरूर बताऊँ कौन से वाली। मेरे सामने आई, सेम आप लोगों के सामने भी होगी, किसी के साथ कम किसी के साथ ज़्यादा होगी। मैं फिर से आऊँगी दोबारा, भी तो 15 दिन हुए मैं ज्वाइन की, बस एक बार मन में था कि मैम वो सबसे जाना ही है जरूर, उसके बाद ही बाकी देखेंगे। एक ही दिन की छुट्टी मिली तो अभी तो खैर सैलरी भी नहीं, मैं फिर से आऊँगी तो सारा अच्छे से हम लोग बताएंगे। काफ़ी कुछ स्टूडेंट करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, और पिछली वाली भर्ती में भी जैसे पूरी पूरी लेवल पर था, उन्होंने नाम नहीं दिया, मैंने RTI लगाई, सर बताते रहते आपको जब जब जरूर होती है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहता जहाँ आपको सर जिस बारे में ना बताते हो, हर एक जानकारी सर आपको देते हैं। तो मैंने भी RTI वगैरह लगाई तो उसमें मेरा दिया नहीं, उसके बाद मैंने कलर का एग्जाम था तो मैंने एडमिशन यहाँ पे लिया था, तो कलर में मेरा रहा पहुँचा उधर से, फिर हरियाणा पुलिस का और दिल्ली पुलिस का मेरा नेक्स्ट ईयर निकला 2020 में हुआ था। तो अभी फिर से उन्होंने 21 में ज्वाइनिंग दी नहीं, फिर से वो केस चला, 2 साल हमारा खींच गया, अभी घर पर बैठे थे 2 साल बाद ये ऑनलाइन हम लोग पढ़ते थे, एग्ज़ाम कोई हुआ नहीं आपके सामने भी, अभी ज्वाइनिंग इन्होंने कराई है। तो गुड़गांव मेरे को मिला हुआ है, रैंक बैंक के बारे में सर ने आपको बता ही दिया होगा, बाकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा था सपोर्टिव, कोई था नहीं घर में, ना घर में ना रिश्तेदार में, कोई एक तो मेरे फ्रेंड्स थे उनसे हेल्प लेके या जैसे भी, और मोटिवेशन तो सर से मैम से मिलता रहता था, और एक खुद से होती कि मुझे कहीं पर भी मुझे लेनी ही लेनी है, एक जो चाहत होती है वो थी मेरे अंदर, जुनून था उस चीज़ के प्रति, तो मैंने छोड़ा नहीं। बीच में थोड़ा गैप हुआ जब पिछले वाली भर्ती में मेरा हुआ नहीं, 5-6 महीने रोना धोना था, उसके बाद फिर से तैयारी की और फिर हुआ। उसके बाद घर में जो कंडीशंस होती है, कभी शादी का प्रेशर होता है, कभी किसी तरह का, घर में कोई पढ़ा लिखा था नहीं, ना मेरे यहाँ पे ना मामा बुआ के यहाँ पे, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था पढ़ना। बस ये था मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट कि इन्होंने मुझे कभी रोक टोक नहीं की, मैंने इन्हें कभी शिकायत नहीं दी और इन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम जरूर रही, वो हैंडल हो गई इधर उधर से, और शादी का प्रेशर रहता था, फैमिली वाले बोलते थे, तोड़बाजी करते थे, भाई भी अब तक करता था, वो तो अब थोड़ा आगे चेंज हुआ है, वो तो अभी बोलता ही, हालांकि कभी 1 रुपये का उसका सपोर्ट कभी नहीं रहा। मैंने बुक्स वुक्स लड़ाई करता था जलाना, बैग भी जलाना, मेरी डिग्रियाँ मैंने छुपा के रखी हुई थी अपनी, और शादी के लिए भी बोलते थे हम तो शादी कर देंगे, कब तक वेट करें, और कितना पड़ेगी, और कितने दिन हमें, और सर बोलते थे और मैम बोलते थे कि बस करना है तो करना है शादी से पहले, अगर आपको लग गए तो लग ही जाओगे। उसके बाद बहुत मुश्किल है, पेरेंट्स ही इतना मुश्किल से यहाँ पे मुझे करके एडजस्ट करना पड़ा, तो शादी के बाद कैसी फैमिली होगी, कैसा क्या होगा, तो ये था कि मैं शादी तभी करूँगी जब मेरी नौकरी लग जाएगी। हालांकि फिर मम्मी पापा बाल चले भी गए, लड़का देखने मैंने उसे लड़के बाल कटा दिए थे, मतलब गंजी हो गई थी मैं, मैम की बात ध्यान थी कि शादी तो तभी करनी है जब नौकरी मिल जाएगी। मैंने अपने सिस्टर्स की सिचुएशंस को देखा हुआ है, मेरी भाभी है वो क्या क्या रात के 2-2 दिन तक पीटना मारपीट, मतलब ये वाली सिचुएशन मैंने देखी है अपनी रिश्तेदारी में फैमिली में, तो मुझे था कि मुझे इन सबसे साइड होना है, इन सबसे थोड़ा हटके कुछ करूँ मैं खुद के लिए करूँ। और शादी के लिए तो मेरी टोटली ना थी, एक बार जो लग रहा है उसके बाद आप लोग हाँ मर्जी जैसे देखो, बाद में देखते रहिए, एक बार ज्वाइनिंग हो जाए तो आप भी बोल रहे थे कि नौकरी लग गई ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगी, कर ले बाद में होती रहेगी, लगनी होगी तो आगे जाके भी लग जाएगी, ऐसे बोलते थे। और हाँ सारा किसी ने कोई देखा नहीं था, ये जरूर बोलते थे कि तू तो लग ही नहीं सकती, तू तो ग्रुप डी में भी लगा वो, ऐसे बोलते थे मामा मामा सब लोग, इतना मतलब नेगेटिविटी 100% थी कहीं। हाँ मेरे मन में कि मुझे करना है और मोटिवेशन सर की, मैं हर एक बात को बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता सर की बातें सुनना, और हर तरह की नॉलेज, मतलब हम बाहर जाते हैं हमें बोलना होता है, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने वहाँ एक जो बोलने का कॉन्फिडेंस होता है वो हमें सभी बातें सुन के होता है, हमें जब नॉलेज होती है तभी हम कॉन्फिडेंस नहीं बोल पाते, वरना तो ऐसे ही रह जाते हैं। मैम की सारी बातें सुन रही थी मैं, और क्लासेस तो मैंने कभी छोड़ी नहीं, एक भी क्लास नहीं छोड़ती थी मैं कभी, बाकी सर हंसी मजाक करा रहे थे वो सब चलता था अच्छे से। तो आप लोग भी पढ़ो और छोड़ना मत, जब तक यकीन हमें करना है तो मतलब करना ही है। अब बोलते थे कि भी इतने साल हो गए तैयारी करते हुए, खुद में फील होता था, सॉरी बताते थे मैं पिछली बारी भर्ती वाले फ्रेंड्स थे तो मार्क्स लगा के आते थे, कभी कोई देख ले पूछ लेते ना हुआ नहीं अब तक, और भी जैसे स्कूल वाले को थोड़ा मार्क्स लगा के फील होता था, पर ये था कि अभी अगर फील हो रहा है और 2-4 साल के बाद फिर से पूछेंगे तो मतलब मुझे करना है तो मुझे करना ही था। मैंने आती रही, मैं हमेशा कभी छुट्टी नहीं करती थी, और मेन बात तो यही थी। थैंक यू। अंदर से एक मोटिवेशन
होता ना एक कि जोश भरते थे सर की बातें सुन के और मैम की बातें सुन के, वो हमेशा रहा है। एक एक बात यहाँ पे बच्चे आते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा होता है कि ये लोग जा रहे हम भी जाएंगे। बस ये सर तो मैं भी यहाँ तक आई गई, मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई और सर का मैम का तो हमेशा लाइफ टाइम रहेगा, ये तो हम कभी उतार ही नहीं सकते इनका। तो इन्हें हमसे क्या चाहिए, छोटी सी फीस, फीस तो इनके लिए वो है ही नहीं। पर जो इन्हें अभी फील हो रहा है कि हमारे बच्चे लग रहे हैं जहाँ भी लोग जाते हैं, वो इनके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। उस बच्चे होते हैं कि सर गुस्सा करते हैं ये वो सब कुछ नहीं होता, वो दो चार दिन के बाद गुस्सा ठंडा हो जाता है। उसके अलावा आपको कितना आपके जीवन भर को ये इतना सिक्योरिटी सरकारी नौकरी में जाने वाला, आपके मेरे पेरेंट्स को तो मिलेगा ही, मेरा जो भी वहाँ पे मिलता है अलाउंस वगैरह और PF और सरकारी हॉस्पिटल में सारा, मेरे बच्चों तक को भी फीस सरकार पढ़ाएगी उनकी। हालांकि हम अपनी इतनी फीस नहीं देते, सरकार जितनी फीस होगी उसका टोटली सरकार देती है सब, इतना सारा सिक्योरिटी हमें मिल रहा है। तो सर और मैम की वजह से हमें इतना अच्छा रास्ता दिन पर चला रहे हैं और आपको एंड तक आपको खींचते हैं, आपको कहीं भी टूटने नहीं देते किसी भी तरीके से। बस आप आओ और पढ़ो अपना अच्छे से, क्लास मत मिस किया। कुछ लोग ये और कहते हैं कि बीच बीच में जो है रिश्वत दे करके लगते हैं आप, जो है सिफारिश से लगते हैं, तो तुम्हारी रिश्वत थी या सिफारिश थी? फीस के पैसे फ्रेंडों से एडजस्ट किए मैंने, सिलाई कर दी तो भाई ने उनसे ने भी तोड़ दी लड़ाई लंबा कर करके, सिलाई तो भी नहीं कर देते, कुछ पढ़ाने का माहौल तो था ही नहीं सर का, मेरा खुद नहीं पढ़ पाते थे, सुबह आते थे शाम को जाते थे। तो सर कहाँ से रिश्वत, कहाँ से सिफारिश, हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने हमेशा इस बात पर मनोहर लाल खट्टर का और BJP का बिल्कुल हमेशा धन्यवाद किया कि फेयर सिलेक्शन है और बिल्कुल जो जमीन से नीचे के स्तर के लोगों का हिस्सा लगा लो कि जहां पर घर पे कोई स्पोर्ट नहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन एक डेडिकेशन आता है बातों से, बाकी चीजें आती है और उनमें जुनून भरता कि हमें पढ़ना है। तो ऐसे कितने लोग नौकरी लग गए। अब हम लोग वहां पर गए थे गुरुग्राम में ही कौनसी में, तो वहां पर कितनी लड़कियां थी और जो लड़कियों से, जैसे बहुत सारी लड़कियों से बातचीत होती थी कि सर अब क्या बताएं किस लेवल पे थी कहानी और कैसे पढ़े हैं हम लोग, लेकिन अब जिंदगी बदल गई, अब रास्ता बदल गया। आया ना? Yes, sir. एक बहुत बढ़िया व्हाट्सएप पापा ने ज्ञान दिया था आज सुबह, मुझे तुम्हें भी दे देता हूँ कि अमीर आदमी के पास अमीर बनने के बहुत रास्ते हैं, अमीर आदमी के पास अमीर बनने के बहुत रास्ते हैं, गरीब आदमी के पास अमीर बनने का एकमात्र एक रास्ता है सरकारी नौकरी। ये जो स्टार्टअप बना लो, काम कर लो, बिजनेस कर लो, ये लड़की क्या कर लेती, एक साल ये ट्रेनिंग करेगी, साल एक साल की ट्रेनिंग के दौरान 30-35 हजार रुपए इसको मिलेंगे। अब 35 हजार रुपए के हिसाब से भी लगाई, गुना दो करें तो 70 और गुना फिर 6 करें तो 4,20,000 घर की कंडीशन बदली मिलेगी एक साल की ट्रेनिंग के दौरान में ही, क्या नहीं? Yes, sir. अब हर एक आदमी देखो सिर्फ आते हैं, बातें सुनते हैं, चले जाते हैं। नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस इफ नॉट इम्प्लीमेंटेड। तुम सभी लोगों को पता है नौकरी कैसे लगनी है, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं करते। आया ना? Yes, sir. मुझे पता पतला कैसे होना है, और अगर काम ही नहीं करता पैसे कैसे ही बोझ बटोर है, जीरो फिगर। मैं ये बता रहा हूं तुम्हें, नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस इफ नॉट इंप्लीमेंटेड। ज्ञान अगर यूज नहीं हो रहा है तो हर रोज ये संकल्प लो कि अगली रक्षाबंधन से पहले तुम लोगों के पास ये हालत बने। ये हर बार 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 मौके आते हैं, फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं या कुछ भी किया जाता है, क्यों? एक बार बैठो, सिट बैक एंड रिलैक्स, देन थिंक, रीथिंक, अगेन थिंक। हमने पढ़ाई शुरू क्यों की थी, हमने ये तैयारी शुरू क्यों की थी, और ये तैयारी अगर मुकम्मल नहीं हुई, हमें मंजिल नहीं मिली, तो हम क्या कर लेंगे? एक मेरा फ्रेंड है, उसका भतीजा, उसको यहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए, एक साल पढ़ा, फिर आगे नहीं आया, फ्री पढ़ रहा था, ये कहेंगे फीस की बात है, तो पढ़ाई नहीं,
अब एक साल नहीं पढ़ा, दो साल नहीं पढ़ा, तीन साल नहीं पढ़ा, पांच साल हो गए उस घटना को, तब भी मैंने कहा था कि अगर तू यहाँ नहीं पढ़ेगा तो घर पे क्या करेगा, मान लिया तू एक साल में नहीं लगा, दो में लग जाएगा, तो तब तू क्या करेगा घर बैठ के। जितने लोग ये नौकरी की तैयारी छोड़ करके घर बैठ के अब वे क्या करेंगे। जैसे इस लड़की ने कितनी बढ़िया शानदार बात बताई कि फ्रेंड्स जब पूछते थे कि तेरा क्या हुआ, अब शर्मा रहे, तो चार पांच साल बाद जब मैं पूछेंगे तब क्या होगा। अब लोग क्या बोल रहे, पड़ोसी क्या बोल रहे, रिश्तेदार क्या बोल रहे, सब बातों को छोड़ करके कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, कंटिन्यू। तुम्हारी नौकरी अपनी नहीं लगी ना, तो वहां तक जब तक नौकरी नहीं मिलती, कहीं ना कहीं चूक है, कमी है, वो कमी है उसके कारण नौकरी नहीं मिली। इस लड़के की नौकरी लगी, इसके साथ पढ़ने वाली दूसरी लड़कियों की नौकरी नहीं लगी, कारण दूसरियों की तैयारी में कुछ ना कुछ चूक थी। जो ये बातें बताई जाती है, समझाई जाती है, कुछ लोग इन बातों को सुनते हैं, समझते हैं, कुछ लोग मतलब परिमल सर बहुत ज्यादा बातें करते हैं। जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट आते हैं सभी लोग एक लाइन ये बोलते हैं कि सर की जो ये बातें थी इनके कारण सिलेक्शन हुआ, और जितने लोग उनको नहीं सुनते वो हम तो थोड़े से दिन गए वहां पढ़ाते तो है नहीं, बातें ज्यादा करते हैं। अब किसी चीज की वैल्यू तुम क्या लेते हो, रिजल्ट उस बात पर ही डिपेंड करेगा। तो मैं तो शुरुआत से आज तक कह रहा हूं, जिन लोगों को हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं लगी उनका क्या हुआ, एक आधा तो ऐसा बताओ जो यहाँ से छोड़ गया फिर कहीं कामयाब हो गया, ऐसा है तो फिर तुम लोगों को जो है एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल, दस एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल दे। ऐसे कितने ही लोग नौकरी लगे हैं जो बेहद गरीबी रेखा के नीचे या ऊपर की कंडीशन पर थे, वहीं के आसपास कहानी थी, जिनके पास कोई साधन नहीं था, एकमात्र एक साधन की करना है, पढ़ना है, चाहे कुछ भी हुआ, चाहे लड़ी, चाहे कुछ भी हुआ, मशीन सिलाई करती थी तो मशीन तोड़ दी। अब और नेगेटिव माहौल क्या हो, आज ही बात हो रही थी कई बच्चों से मेरी बात हुई आज ही, कि घर वाले नहीं पढ़ने देते, भाई नहीं पढ़ने देता, और कोई नहीं पढ़ने देता, तो ये हाल सबके साथ है। ऐसे लोग तो बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करो जिसके माँ बाप बोलते हैं कि जाके पढ़ लो, जिसके भाई बहन बोलते हैं जाके पढ़ लो, जिसको पड़ोसियों के टोंट नहीं सुनने पड़ते, ब्लेस्ड फील करो अपने आप को अगर ऐसा है तो, वरना बहुत बुरा हाल है। और ये हाल ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा अगर नौकरी लगे बिना छोड़ दी तैयारी तो, नौकरी नहीं तो क्या करोगे। अब दो दिन आगे पीछे तो पढ़ता रहेगा, उसकी नौकरी लगनी लगनी, तो पढ़ते जरूर रहना, आते रहना अलग बात है, और पढ़ते रहना दूसरी बात, पढ़ते रहना तुम्हारा भी एक आधा पेपर पास, सी ग्रुप का दिया दूसरे वाला कितने नंबर आए हैं, देखते इस पिलर से है ना थोड़ी आगे बैठा कर, रेगुलर आते बीच में छुट्टी मार, रेगुलर आते लग जाएंगे थोड़े दिन पक्का, तो मैं उम्मीद करूँ तुम मिठाई खिलाने आएंगे थोड़े दिन, ठीक अच्छे से पढ़ते रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं लिख दिला देते चलो उसके पास, और नहीं चलो बाद में खिला ला। जिसको ये घड़ी चाहिए ताली जोरदार बजाना मेरे, बेटियों को पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, दो बातें बोलोगे बच्चों के लिए, ऐसे माइक पे देखो सब लोग बोल नहीं पाते, कह रहा कि पढ़ाई मत छोड़ देना, खाना बेशक छोड़ देना, पर सभी लोगों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और ये मोमेंट देना तुम्हारे अपने हाथ में, तुम लोग अपने पेरेंट्स को लेकर के आना घड़ी लेने के लिए, ये मोमेंट देना, ये प्राउड मोमेंट है जब पेरेंट्स यहाँ पर स्टेज पर खड़े होकर के और उनके लिए तालियां बजाई जाती हैं। और ये बहुत रिच पेरेंट्स नहीं थे, ये लड़की भी बहुत रिच नहीं थी, लेकिन इसकी जिंदगी एक रिचनेस की तरफ चल पड़ी, इसकी अपनी सभी जरूरतें पूरी होंगी, इसको रक्षाबंधन पर गिफ्ट लेने के लिए या किसी फेस्टिवल पर सीधा लेने के लिए घर वालों की तरफ या भाई की तरफ जो है मुंह नहीं देखना पड़ेगा, हर सैलरी पर एक चीज ले सकती है, हर सैलरी पर एक चीज ले सकती है,
दो सैलरियों पर बढ़िया चीज ले सकती है, आया ना? Yes, sir. चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी रास्ता तुम लोगों के लिए भी है, और सर जी का प्रेशर खत्म वाली करवाइए, पाल को फिरा देंगे, नौकरी नहीं आएंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, अभी कल पता चला यहाँ सारे गंजे बैठे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।